नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 9, और पाठ संख्या 9 का शीर्षक है विशेषण। तो बच्चों, आप जानते हैं क्या होता है विशेषण, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित को पढ़ो और समझो। वैशाली की फ्रॉक लाल है, रमन का घर बड़ा है, वह वृक्ष बहुत ऊंचा है, मुझे 4 पेंसिल दे दीजिए। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, वो शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण होते हैं। विशेष्य, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, ईमानदार लड़का, तो इसमें विशेषण हुआ ईमानदार और विशेष्य हुआ लड़का, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई गई है कि वो ईमानदार है। 5 भाई, तो भाइयों की विशेषता क्या है कि वो 5 है, तो 5 हुआ यहाँ पर विशेषण और विशेष्य हुए भाई। लाल गुलाब, अब गुलाब की विशेषता है कि वह लाल है, तो लाल हुआ विशेषण और विशेष्य हुआ गुलाब। अब है विशेषण के भेद। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण आता है, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, दशा या स्वभाव आदि की विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, लाल कमीज, सुंदर चित्र, अभिमानी व्यक्ति। केवल गुण ही नहीं, दोष भी इसके अंदर आते हैं। गुण, दोष, रंग, दशा या स्वभाव, यहाँ सभी रंगीन छपे शब्द विशेषण हैं। यह विशेषण कई प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। गुणबोधक विशेषताएं, यदि संज्ञा या सर्वनाम में कोई गुण है, जैसे ईमानदार, भला, दानी, सत्यवादी, सच्चा आदि। फिर दोषबोधक विशेषताएं, जैसे दुष्ट, अनुचित, बुरा, अभिमानी आदि। कालबोधक, जैसे नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक, ताज़ा, नवीन आदि। फिर अवस्थाबोधक, के संज्ञा या सर्वनाम की क्या अवस्था है, जैसे बचपन, युवा, प्रौढ़, तरल, ठोस आदि। आकार बोधक, के वो आकार में कैसे हैं, लंबा, नुकीला, विशाल, चौकोर, गोल आदि। रंग बोधक, रंग क्या है उनका, सफ़ेद, काला, हरा, नीला, लाल आदि। स्थान बोधक, दायां, बायां, बाहरी, भीतरी आदि। तो ये सारी की सारी विशेषताएं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अब है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल का बोध होता है कि कोई चीज़ हम नाप रहे हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो कपड़ा नाप के दिया जाएगा। 2 मीटर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। इस थैले में 4 किलो चीनी है, तुमने बहुत समय ले लिया, ज़्यादा बातें ना बनाओ। संख्यावाचक विशेषण आता है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। श्याम के पास 4 पुस्तकें हैं, तो 4 विशेषण पुस्तकों की संख्या का द्योतक है। संकेतवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये कपड़े किसके हैं, वह बाग हमारा है, तो हम संकेत कर बता रहे हैं ये कपड़े, वह बाग। इन वाक्यों में ये कपड़े, ये विशेषण कपड़े की ओर,
और वह विशेषण बाप की ओर संकेत कर रहा है, अतः ये संकेतवाचक विशेषण हैं। फिर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषणों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ियाँ सभी जगह प्रसिद्ध हैं। बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनारसी बना तो बनारसी विशेषण। भैया कोल्हापुरी चप्पल खरीद कर लाए, कोल्हापुर व्यक्तिवाचक संज्ञा से कोल्हापुरी विशेषण। भारतीय संगीत सभी को भाता है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा से भारतीय विशेषण। अतः इन वाक्यों में बनारसी कोल्हापुरी और भारतीय व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। अब विशेषणों की रचना देखते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा बुरा स्वस्थ सुंदर छोटा काला गोरा आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है। ऐसे विशेषणों को यौगिक विशेषण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा सर्वनाम या क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है, इन्हें यौगिक विशेषण कहा जाता है। जैसे लोभ में ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लोभी। गुण में वान जोड़ देंगे तो बनेगा गुणवान। दिन प्लस एक दैनिक आदि। यौगिक विशेषणों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ उनके विशेषण बनाए हुए हैं, जैसे स्वर्ग स्वर्गीय, प्रेम प्रेमी, पूजा पूज्य, पर्वत पर्वतीय, देव दैवीय, ज्ञान ज्ञानी, उपज उपजाऊ, पंजाब पंजाबी, धन धनी, गुण गुणी, वर्ष वार्षिक, मास मासिक, रोग रोगी, इतिहास ऐतिहासिक, दोष दोषी, जापान जापानी, दूध दुधारू, चमक चमकीला, दया दयालु, लोभ लोभी, जाति जातीय। आगे चलते हैं। अब है विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों द्वारा व्यक्तियों वस्तुओं अथवा स्थानों आदि की विशेषता बताई जाती है, ये तो आपको पता चल गया है। ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेष्य में कम तथा किसी में अधिक बताई जाती है। जैसे राधा सुंदर है, राधा श्वेता से अधिक सुंदर है, राधा सबसे सुंदर है। विशेषता का कम या अधिक होना उसकी तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्था होती हैं। देखिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन ये विशेषता किसी में कम हो सकती है और किसी में ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये कम और ज़्यादा की जो अवस्था है ये तुलनात्मक अवस्था होती है, और तुलना की दृष्टि से यहाँ ये तीन अवस्थाएँ हैं जो हम सीखेंगे। सबसे पहले है मूलावस्था। यह विशेषण का मूल रूप होता है। इसमें विशेष्य की किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे सुरेश एक बुद्धिमान बालक है। बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर विशेषण बताया गया है सुरेश का, बुद्धिमान। उत्तरावस्था, यह विशेषण का वह रूप होता है जो दो विशेष्यों की विशेषताओं की तुलना करता है। इसमें तुलना दो विशेष्यों के बीच में की जाती है तथा एक को दूसरे से अधिक या कम बताता है। जैसे सुरेश रवि से अधिक बुद्धिमान है। बुद्धिमान रवि भी है लेकिन सुरेश ज़्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हमने कैसे समझाया? सुरेश रवि से अधिक बुद्धिमान है। तो ये है उत्तरावस्था। फिर आती है उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में कम अथवा बढ़ाकर बताता है।
अब वो सभी तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। यदि दो के बीच में तुलना की जाएगी तो वो होगी उत्तरावस्था। दो से ज़्यादा के बीच में जब तुलना की जाती है तो वो होती है उत्तमावस्था। जैसे सुरेश कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान बालक है, तो सुरेश को पूरी कक्षा के बालकों से अधिक बुद्धिमान यहाँ बताया गया है। तो ये है तुलना की तीन अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। नीचे कुछ विशेषणों की अवस्थाएं दी जा रही हैं, इनका अध्ययन करो। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ लेकिन आपने इन्हें याद भी करना है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब मूलावस्था में बिल्कुल जैसे विशेषण हैं वैसे ही लिखे गए हैं, जैसे उच्च। उत्तरावस्था में आके वो हो गया उच्चतर और उत्तमावस्था में हो गया उच्चतम। इसी तरह से हम पढ़ेंगे निकट, निकटतर, निकटतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, स्पष्ट, स्पष्टतर, स्पष्टतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, महान, महांतर, महानतम, कटु, कटुतर, कटुतम, ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचा, मोटा, अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, लंबा, अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान, धनवान, अधिक धनवान, सबसे अधिक धनवान। अब हम देखेंगे क्या पढ़ा और क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाते हैं। अब ये जो तीन प्रश्न हैं, विशेषण के भेदों के नाम बताओ, यौगिक विशेषण क्या होते हैं और विशेषण की अवस्थाओं के नाम लिखो। तो बच्चों, ये आप पाठ के आधार पर इनका उत्तर आप स्वयं देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्द छांटकर सामने लिखो। ये अमरूद कच्चे हैं, तो कच्चे अमरूद की विशेषता है, कच्चे विशेषण। लाल किला बहुत बड़ा है, काली भैंस घास खा रही है, मीना को बंगाली रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, पांडव पांच भाई थे। तो यहाँ पर हमने विशेषण छांट के लिखे हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। तो यहाँ मैंने दो शब्दों के वाक्य बनाए हुए हैं, बाकी आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है? दयालु, मेरे शिक्षक बहुत शांत व दयालु हैं। 2 किलो चीनी, मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों से संबंधित भेद का नाम लिखो। मुझे थोड़ा दूध दीजिए परिमाणवाचक, यह लड़की अच्छा गाती है संकेतवाचक, क्योंकि हम संकेत कर कर बता रहे हैं यह लड़की अच्छा गाती है। पिताजी बंगाली रसगुल्ले लाए व्यक्तिवाचक, क्योंकि बंगाल से बना है बंगाली। श्वेता की साड़ी गुलाबी है गुणवाचक, उसके पास 2 पुस्तकें हैं संख्यावाचक। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने पाठ का पुनः अच्छे से पाठन करके सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे करेंगे और उन्हें लिखेंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।